हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आज हम लोग बात करने वाले हैं आजाद हैं आजाद रहेंगे के सीजन 5 की। जी हाँ, 2018 में ये सफर मैंने आपके साथ शुरू किया था और इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में आपको बताया जिसके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। इस आजादी के बाद हमने इस देश में कई ऐसी चीजें की जिससे यह देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। अंग्रेजों के गुलामी में हम लगभग 200 साल रहे। 1600 में जब अंग्रेज भारत आए थे वह एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन धीमी धीमे उन्होंने भारत में सभी राजाओं को परास्त किया या उनको लालच दिया और भारत की आर्थिक, भारत की सांस्कृतिक, भारत की राजनीतिक और भारत की सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया और धीमे धीमे हमें कॉलोनी बना दिया। 200 साल बाद जब हमें आजादी मिलती है तब हम भारत में एक नया सूर्य देखते हैं। उस सूर्य के साथ हम लगातार आगे बढ़ते हैं और आज हम विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम बात करें चाहे डिफेंस की, हम बात करें चाहे स्पेस की, हम बात करें चाहे एजुकेशन की, हम बात करें चाहे कल्चर की, हम बात करें चाहे भाषाओं की, भारत पूरे विश्व में अग्रणी ही दिखाई दे रहा है और लगातार हम इस अग्रणी पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आजाद है आजाद रहेंगे कि श्रृंखला का 5वां सीजन आखिरी सीजन है। इसके बाद में कुछ नया आपके सामने लेके आऊंगा। 2018 से हम लगातार यहां पर बने हुए हैं और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में मैंने आपको बताया जिनके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। सीजन नंबर 1 2018 में शूट किया था मैंने, 19 में मैंने सीजन नंबर 2 शूट किया और 20 का सीजन मैंने आप लोग के सामने लाया था, वो था वीरांगना विशेष। जी हाँ, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी महिलाओं के विषय में मैंने आपसे बात की है जिनके बारे में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, जैसे मैंने उसमें बात की है पार्वती गिरी के बारे में जिनके बारे में शायद ही नेट पे कुछ मिले आपको। इसके अलावा जो मैंने 4वां सीजन लाया उसमें मैं आप लोगों से बात किया था भारत के ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जो कि दलित समाज से आते थे। इसी के तहत इस बार सीजन 5 हमारा जो है वो भी ऐसे ही क्रांतिकारियों के विषय में बात कर रहा है जिनके बारे में इतिहास जो है वो बड़ा कम कहता है। तो ये आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। 15 अगस्त 2022 को हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर जाएंगे और 76वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कई सारी एस्पिरेशंस, कई सारी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कई उम्मीदें जिनके साथ हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे पर वो शायद आज पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे क्रांतिकारी बंधुओं के विषय में बताने वाला हूं जिनके बारे में इतिहास में कुछ खास नहीं है। ये मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के कल्चर में उनके विषय में काफी कुछ कहा जाता है लेकिन बाकी भारत में उनके विषय में कुछ खास चर्चा नहीं होती। बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में ये तीनों भाई आए और उसके बाद उनके विचारों में ही परिवर्तन हो गया। जहां पर बड़ा भाई सैनिक बनना चाहता था वहीं बाकी दोनों छोटे भाई जो हैं वो भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते थे। उन्होंने अपना जीवन तो भगवान को समर्पित कर दिया लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको यह पता चला कि यह धरती माँ ही उनका उनकी असली भगवान है और इसी के लिए उन्हें काम करना है। और तब चापेकर बंधुओं ने भारत की आजादी का बिगुल फूका पुणे से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रांतिकारी बंधुओं के विषय में जो कि हैं दामोदर हरि चापेकर, उसके बाद उनके छोटे भाई बाल कृष्ण हरि चापेकर और उनसे छोटे भाई वासुदेव हरि चापेकर। जी हाँ, आज बात करेंगे चापेकर बंधुओं की। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आजाद हैं आजाद रहेंगे सीजन 5 का ये पहला एपिसोड इन चापेकर बंधुओं को समर्पित। चलिए जानते हैं इनके विषय में कुछ बहुत ही रोचक बातें, किस तरीके से इन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो शुरू कहां से करूं? शुरू करने के लिए तथ्य उपलब्ध हैं
और आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, पर मराठी टेक्स्ट इसमें ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। हिंदी में बातें थोड़ी सी कम आपको मिलेंगी और टेक्स्ट बुक में तो इनके विषय में वर्णन शायद ही आपको देखने को मिले। जी हाँ, सबसे बड़े थे दामोदर हरि चापेकर, उनसे छोटे भाई थे बालकृष्ण हरि चापेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव हरि चापेकर। इनका जन्म महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे के चिचवाड़ा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम द्वारका और पिता का नाम हरिपंत चापेकर था। बाल्यावस्था से ही सबसे बड़े भाई दामोदर हरि चापेकर का जो रुझान था वो देश प्रेम की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। वो सैनिक बनना चाहते थे और सैनिक बनने के बाद वह वहां से हथियारों का जखीरा बाहर लाकर आम लोगों के बीच में देना चाहते थे, जिससे कि आम लोग भी क्रांति की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर सके। लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। वहीं उनके दो छोटे भाई बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर वह भजन कीर्तन में ही अपने आप को लीन रखा करते थे। तभी दामोदर हरि चापेकर की मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से। आप तिलक जी को जानते ही हैं कि वो भारत के ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता सिखाई, जिन्होंने भारत को यह शक्ति दी कि वह अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, अगर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने भारत देश के अंदर, भारत के लोगों के अंदर आत्मविश्वास का तत्व है वह गढ़ा, तो वह व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ही थे। अंग्रेज उनसे बहुत घबराते थे, यह तो हमें पता ही है किस तरीके से अंग्रेजों ने उन्हें छल से गिरफ्तार किया था। जब दामोदर हरि चापेकर बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए तो उनके सोचने का नजरिया ही बदल गया। देश प्रेम की भावना उनके अंदर लगातार बलवती होती चली जा रही थी, ऐसे बाल गंगाधर तिलक उनको लगातार सिखाते जा रहे थे। प्रारंभ में वह उनके गुरु भी थे। बात है 1897 की, जब पुणे में बहुत भयानक प्लेग फैला हुआ था। प्लेग की वजह से पूरे पुणे में हाहाकार मचा हुआ था। उसके बाद भी अंग्रेज शासन भारतीयों के साथ किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं दिखा रही थी, वह लगातार उनको यातनाएं देती चली जा रही थी। ऐसे दौर में ही दामोदर हरि चापेकर लगातार भारतीयों की मदद करते चले जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की यातनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारतीयों के साथ वॉल्टर चार्ल्स रैंड और आर्यस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी लगातार यातनाएं कर रहे थे। भारतीय संस्कृति का वह लगातार मजाक उड़ाते थे। हिंदू मंदिरों में वह चप्पल और जूते पहनकर पहुंच जाया करते थे और लगातार अपमान किया कर रहे थे। इसी दौर में दामोदर हरि चापेकर ने क्वीन विक्टोरिया के चित्र को कालिख से पोत दिया, उस पर जूतों की माला पहनाकर अपना विरोध दर्ज किया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत तो उनके पीछे ही पड़ जाती है, बहुत यातनाएं देती है। अपने भाई को यातनाओं में तड़पता देखकर बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर से भी रहा नहीं गया। इसके साथ उनके मित्र विनायक राणादे भी उनके साथ रहा करते थे। इन तीनों ने यह सोचा कि अंग्रेजों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, खासकर आर्यस्ट को, उसके अलावा रैंड को। उसी दौर में क्या हुआ कि बात है 22 जून 1897 की, क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन की जयंती का कार्यक्रम जो है वह मनाया जा रहा था। इन लोगों ने सोचा यही मौका है अंग्रेजी हुकूमत को आईना दिखाने का। रैंड और आर्यस्ट भी इस फंक्शन में पहुंचे थे। पूरे पुणे को भव्यता के साथ सजाया गया था, हर तरफ आतिशबाजियां हो रही थी। ये लोग शांत बैठे रहे, प्लानिंग तो थी बड़ी जबरदस्त, पर ये शांत बैठे रहे, ये इंतजार कर रहे थे उस दौर का जहां पर अंग्रेज थोड़े लापरवाह हों और हम अपने अपमान का, अपने देशवासियों के अपमान का और अपनी धरा के अपमान का बदला ले सकें। अंग्रेज इस समारोह में आनंद पे आनंद लिए जा रहे थे और वो पूरे बेफिक्र हो चुके थे कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। रात 12:10 की बात है, तभी आर्यस्ट जो है वो बाहर निकलता है और अपनी बग्घी में बैठने जा रहा होता है। उसी दौर पे बालकृष्ण चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने समझा कि रैंड बाहर आया है और उन्होंने जाकर गोली मार दी। आर्यस्ट वहीं गिरकर मर गया, लेकिन तभी उनको यह लगा कि ये क्या हो गया, यहां तो रैंड को मारना था। तभी रैंड भी, जैसे जब आवाज खूब हुई, लोग बाहर हाहाकार मचा रहे थे, रैंड भी भाग कर आया और तब तक आओ देखा ना ताओ दामोदर हरि चापेकर ने उसके सीने पे गोलियां उतार दी। वह वहां मरा नहीं, उसे अस्पताल ले जाया गया, पर तड़पते हुए वह 3 जुलाई को अपने प्राणों को त्याग देता है। धरपकड़ तेज होती है।
हर तरफ छापे मारे जाते हैं। अंग्रेज और उनके पिट्ठू दामोदर हरी चापेकर और बाकी दोनों चापेकर बंधुओं के इस कार्य से हतप्रभ रह गए थे और उनके अंदर डर समा गया था कि आने वाले समय में ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ना कर दें। तभी उस दौर में तीनों चापेकर बंधुओं के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखा जाता है। और आप जानते ही हैं कि भारत में कुछ लोग हमेशा ऐसे हुए हैं जो भारतीयों के पीछे उनके पीठ में चूरा घोपते हैं। ऐसे ही दो भाई थे जिन्होंने चापेकर बंधुओं के विषय में अंग्रेजों को जाकर बता दिया। इन दो भाइयों का नाम था गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़। नाम भगवान का पर कर्म शैतान के। राम नाम रखने से अगर किसी के अंदर भगवान राम जैसा आत्मीयता आ जाए तो फिर कहना ही क्या। नाम राम था और कार्य रावण का कर रहे थे ये लोग, और जाके मुखबिरी कर देते हैं कि चापेकर बंधु इस जगह पर छुपे हुए हैं। दामोदर हरी चापेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर उनके पकड़ में नहीं आते हैं। दामोदर हरी चापेकर को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुखबिरी हुई तो हुई कैसे। उन्हें पता चलता है कि द्रविड़ बंधुओं ने उनकी मुखबिरी की है। वो जाते हैं और द्रविड़ बंधुओं को गोली मार देते। इस तरीके से देशद्रोह का बदला वह लेते हैं। बाद में उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके मित्र रणादे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दामोदर हरी चापेकर को फांसी की सजा दी जाती है। कहा जाता है कि फांसी से पहले तिलक जी एक बार दामोदर हरी चापेकर से मिलने गए थे और उनको गीता दी थी। जब अंत समय में वह फांसी चढ़ने जा रहे थे तो उनके हाथ में वह गीता थी। बाद में बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव हरी चापेकर और रणादे को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है और अंत में भारत माता के यह सपूत खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और देश के ऊपर ऐसा कर्ज दे जाते हैं जिसे आज भी हर भारतीय चुका रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि की ऐसी सेवा कर दी जिस सेवा का ख्वाब हर भारतीय का होता है। इतिहास के पन्ने आज भी कोरे हैं, इतिहास के पन्ने आज भी खाली हैं। चापेकर बंधुओं के द्वारा लिखी गई इबारतें आज भी हमें इतिहास के पन्नों में कहीं दिखती नहीं हैं। शायद हमें उन सभी बातों को फिर से दोहराना पड़ेगा जहां पर ऐसे वीर सपूत इस धरा पर पैदा हुए थे और हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आजाद हैं, आजाद रहेंगे कि तरफ से, उनके दर्शकों की तरफ से चापेकर बंधुओं को शशत नमन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में जिनके बारे में आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक भारत माता की जय।